हे व्हाट्स अप गाइस, कैसा आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वन प्लस नोड सीई 5G डिवाइस के बारे में, और इसके लिए फाइनली इंडिया में ऑक्सीजन ओएस 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का स्टेबल ऑफिशियल अपडेट है ना, वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और क्योंकि ये स्टेबल अपडेट है तो इसके अंदर आप लोगों को जितने भी जो फीचर है ना वो यहाँ पर स्टेबल देखने को मिलेंगे, और फोन के अंदर आप लोगों को जो बग्स है ना वो यहाँ पर कम ही देखने को मिलेंगे। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो को यहाँ पर पूरा देखते रहिए, तभी आप लोगों को सारे फीचर है ना वो यहाँ पर अच्छे से पता लग पाएंगे कि कौन कौन से फीचर है ना वो आप लोगों को यहाँ पर इस अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं। सो वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है सो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, अभी वीडियो को लाइक कर देना है, बाद में आप लोग यहाँ पर भूल जाओगे। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो भी आप लोगों को वीडियो है ना वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख तो जितने भी जो आप लोगों को सेटिंग मिलती है ना सारी की सारी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, सभी के अंदर आप लोगों को फीचर है ना वो यहाँ पर मिलते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट फीचर के बारे में जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है वॉलपेपर के सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर आपका जो डिवाइस है उसके हिसाब से आप लोगों को वॉलपेपर है ना वो यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन इसकी यूआई है ना वो यहाँ पर रीडिजाइन की गई है वन प्लस की ओर से, जो कि आप लोग यहाँ पर देख तो इजी वे के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारी जो होम स्क्रीन है या फिर लॉक स्क्रीन है उसके अंदर ये वाला जो वॉलपेपर है ना वो यहाँ पर किस तरीके का लगने वाला है। और आप लोग देख तो पर्सनलाइजेशन का आपको जो ऑप्शन मिलता है ना यहाँ पर एक आइकन की कैटेगरी है वो ऐड की गई है। अब यहाँ पर ये आपको थोड़ा बहुत iOS का जो ओप्पो का जो यहाँ पर कलर OS है उसका लुक है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पर आइकन देखने को मिलते हैं उनकी साइज है वो आप लोग छोटी कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो, इनको राउंड शेप अंदर आप लोग रख सकते हो, और आप लोगों को यहाँ पर वन प्लस के जो स्टॉक आइकन है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप लोग हाइड्रोजन ओएस है ना उसके अंदर इनको चेंज नहीं कर सकते हो, ये जो सेटिंग है ना वो अब यहाँ पर रिमूव कर दी गई है इसी अपडेट के अंदर। अब बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के फीचर के बारे में, जैसे कि मान लो मैंने ये वाली फोटो है ना उसको यहाँ पर चूज कर लिया है, तो फोटो को आपको चूज कर लेना है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ है उसको आप लोगों को यहाँ पर सेट कर लेनी है कि किस तरीके से आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ना वो यहाँ पर सेट करना है। तो कैनवास AOD 2.0 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मेरी जो फोटो है ना इसकी आउटलाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है, और नीचे की तरफ आप लोगों को जो आउटलाइन है वो चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है, कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, प्लस ग्लो का या फिर नॉर्मल का या फिर स्केच का जो ऑप्शन है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है इस अपडेट के अंदर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये कुछ देखने को मिलेगा। अब आपको इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लगाना है, तो राइट साइड में थोड़ा ये सही लगेगा, तो इसको आप लोगों को यहाँ पर प्रीव्यू में एक बार चेक कर लेना है कि किस तरीके से यहाँ पर ये लगने वाला है। तो ये तो है हमारी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अभी मैं आपको दिखाऊंगा लॉक स्क्रीन और उसके बाद में दिखाऊंगा होम स्क्रीन। तो ये लॉक स्क्रीन है और ये होम स्क्रीन है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और ये है आपकी तो वापस से गाइज आप लोगों को एक बार प्रीव्यू के अंदर चेक कर लेना है जिससे कि और भी आपको अच्छा देखने को मिले। तो ये आपकी लॉक स्क्रीन है और होम स्क्रीन के अंदर आपको कुछ इस तरीके का जो लुक है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगा इस अपडेट के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीट फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है कैनवास AOD 2.0 के लेटेस्ट अपडेट के अंदर। काफी ज्यादा यहाँ पर जो UI है ना वो यहाँ पर फास्ट हो चुके हैं। तो इसको कर देते हैं एग्जिट और बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे तो फोन काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है, और कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर भी आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन एक चेंज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक भी वन प्लस ऑक्सीजन OS अपडेट का टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको तो आप लोग ज्वाइन कर ही सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वॉलपेपर के अंदर इंटरेस्ट है, अलग अलग वॉलपेपर लगाना सेट करना पसंद है, सो आप लोग सहेज वॉलपेपर का टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और कुछ इस तरीके के आप लोग
जो वॉलपेपर है ना वो अपने डिवाइस के अंदर सेट कर सकते हो काफी इजी वे के अंदर, और वन क्लिक के अंदर आपकी जो गैलरी है उसके अंदर वॉलपेपर है ना वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो ये सारी आप लोगों को कैटेगरी मिलती है वॉलपेपर की, सारी कैटेगरी आपको मिल जाएगी, तो इनको आप लोग अपने डिवाइस के अंदर सेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नेम है सहेज वॉलपेपर। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी जो डायरेक्ट लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को वहां पर मिल जाएगा। अब तो थीम के अंदर सारी कुछ सेम ही है, जो क्विक सेटिंग है उनके अंदर आप लोग इनकी शेप है ना वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और ये जो आप लोगों को वन प्लस का पैनल देखने को मिलता है ये भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो ये तो यार पसंद नहीं है, जो वन प्लस का आप लोगों को जो राउंड वाला जो आइकन मिलते हैं ना वो यहाँ पर काफी लोगों को पसंद आते हैं, तो ये यहाँ पर ठीक है, इसको लगा के रखते हैं। अब यहाँ पर वन प्लस की ओर से जो कलर ओएस कलर पैलेट का जो फीचर है ना वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये एंड्रॉइड 12 का फीचर है, इसके अंदर आप लोग कोई भी कलर है ना उसको यहाँ पर चूज करते हो तो वो आपका जो कंट्रोल सेंटर है ना इसके अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, और आपका पूरा का पूरा फोन है ना उसके अंदर सेम कलर है वो यहाँ पर सेट हो जाता है। एक बार मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी किस तरीके के आप लोगों को कलर मिलते हैं और कहाँ कहाँ पर आप लोगों को ये जो कलर है ना वो यहाँ पर मिलेंगे। और जो चूज कलर का ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है, सो फेवरेट कलर आप लोग अपने चूज कर सकते हो। यहाँ पर भी रेड कलर है वो सेट हो चुका है, पूरी की पूरी सेटिंग एप्लीकेशन है इसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर जो रेड कलर की सेटिंग है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बार क्लॉक को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग देख तो रेड कलर के आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सेंट है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रेड कलर के आप लोगों को यहाँ पर जितने भी जो कलर मिलते हैं ना वो यहाँ पर इसी कलर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो गाइस क्लॉक है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। अब मैं आपको एक और एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जिसका भी कलर चेंज हो चुका है, सो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, इसका भी जो कलर है ना वो आप लोगों को यहाँ पर रेड कलर के अंदर ही देखने को मिलता है। मतलब कि बताने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा आपका जो डिवाइस है ना उसके अंदर एक ही रेड कलर है ना वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ माई फाइल का लुक, तो माई फाइल एप्लीकेशन का जो लुक है ना वो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अब इसके अंदर भी आप लोगों को जो कलर मिलते हैं ना वो यहाँ पर रेड कलर के ही देखने को मिलते हैं। आप लोग देख तो इस तरीके से जो ये जो कलर ना वो आपको रेड कलर के अंदर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और चेंज के बारे में, सो रिसेंट के अंदर आपको जितने भी जो चेंजेस मिलेंगे ना वो यहाँ पर एकदम स्मूथ देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर आप लोगों ने अभी भी यहाँ पर कोई फोटो या फिर पिक्चर को डाउनलोड किया ना तो वो यहाँ पर रिसेंट के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पर मिलते हैं। अब एक बार यूट्यूब एप्लीकेशन है ना उसको भी ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को जो चेंज मिलते हैं ना वो भी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएंगे। पूरा का पूरा पेज है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ स्वाइप हो रहा है। अगर आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्वाइप करोगे और नीचे की तरफ अगर आप लोग यहाँ पर स्वाइप करोगे तो पूरा पेज है ना वो ऊपर की तरफ यहाँ पर स्वाइप होगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एनिमेशन के अंदर जो चेंजेस है ना वो यहाँ पर मिलते हैं वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस 12.1 के अपडेट के अंदर। अब ये पूरा पेज इस साइड की तरफ मूव हो रहा है, मतलब कि यूट्यूब नहीं जितने भी जो एप्लीकेशन है ना सभी के अंदर आप लोगों को ये वाला जो चेंज है ना वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो ये भी एक छोटा सा चेंज है ना वो यहाँ पर आप लोगों को मिलता है जो कि वन प्लस की ओर से यहाँ पर ऐड किया गया है इसी मैसिव अपडेट के अंदर। और यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है ये भी काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये कलर पैलेट का टोटल आपको फीचर मिलता है, फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज ये आपको सेम ही मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आप लोगों को ये अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, फ्यूचर में आपको जितने भी जो अपडेट्स है ना वो यहीं पे देखने को मिलेंगे। सो इनको भी आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर लेना है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।